वेलकम दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, और इस एपिसोड में हम जाएंगे सेंट्रल एशिया। बिल्कुल सही सुना, मैप में देखो क्रॉस रोड है, क्रॉस रोड सेंट्रल एशिया में ही है, तो वहाँ पे हमें रिस्की क्लीन अप करना है। मतलब जो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था उसमें शायद 3 या 4 ऐसे बॉक्सेस हैं जिनको हमें लेके जाना है, और डिस्पोजेबल पिकअप शायद कह रहा है, इसे सिक्योर कंटेनर कह रहा है, तो कुछ तो होगा। तो मैं यहाँ पे मैपिंग कर लेता हूँ। पहले हम गैस स्टेशन के यहाँ से होके जाएंगे और फिर देखता हूँ कोई रूट है या नहीं। वहाँ पे एक तो बीच में एक मैं दिखाता हूँ, रुको जूम करता हूँ। यहाँ से तो ओके, अब यहाँ से लेफ्ट जजमेंट के यहाँ पे देखो, जूम करता हूँ। वहाँ पे मे बी अगर कोई ब्रिज होगा, नहीं नहीं यहाँ पे ऐसा कोई ब्रिज नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। वहाँ से जाएंगे नहीं, सोचना भी मत, मैं घूम के जाता हूँ। तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल के एक जगह है, तो ये रहा, और वहाँ पे एक रूट है, लेकिन घूम के जाना पड़ रहा है, हर कहीं घूम के जाना पड़ रहा है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो ये रहा हमारा गाड़ी। सो मैंने इसके आगे एक हैवी बम्पर लगाया हुआ है, क्योंकि क्रेन की वजह से इसका जो सामने वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठ जा रहा था, और अभी सही तरीके से बैलेंस्ड है। और चलते हैं, अभी तो देखते हैं कैसा, मतलब वहाँ तक पहुँच पाते हैं नहीं, क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या होता है कि वहाँ से पहुँचने से पहले एक्सीडेंट हो जाता है हमारा, और फिर रेस्क्यू करने कोई और चलाता है। अरे रुको रुको, मैं ये कहाँ चलाया, मैं शायद दूसरी डायरेक्शन चलाया। मैं हूँ यहाँ पे, हमारा फोर्ड F750 पावर स्ट्रोक कह रहा है इसे, तो ओके अब सही है, अब सही चलते हैं। अभी थर्ड गियर पे हूँ, ओके, और बस कंक्रीट रोड यहाँ तक था, और एक्सपेक्ट करना भी मतलब भूल होगा, बारिश भी शुरू हो गया है, सही टाइम पे बारिश शुरू हुआ है। अभी अगर कहीं पे फंस गया तो मैं तो गया, बिल्कुल अभी तक तो सही जा रहा है, बस मुझे देख के चलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं इसका टायर जो है वो हैवी अपरोड की मतलब सिलेक्शन किया हुआ हूँ, इसीलिए ये रुकेगा नहीं, बस रुक गया है। AWD को ऑन कर लेते हैं, सही हो जाएगा, हो गया, अब कहीं रुकने वाला है नहीं, क्योंकि मैं पहले भी चला चुका हूँ इसे, तो ड्राइविंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इसमें, कहीं रुकता नहीं है, बस हर एक टेरेन पे चला जाता है। ओह मेरा इंजन स्टॉल हो रहा है। वैसे तो यहाँ पे साइड में देख सकते हो भाइयों, वहाँ पे सनफ्लावर भी थे, मतलब महसूस हो रहा है कि हम सही पे, मतलब फार्मिंग एरिया में हैं हर कहीं। ओके हमें एक अच्छा रास्ता मिल चुका है, कंक्रीट रोड, और रुको रुको रुको, मेरा टायर का कुछ तो कनेक्शन गया शायद, देखता हूँ। आगे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे से भी कोई बात नहीं, सही है, बस प्रॉब्लम हुआ है, कोई बात नहीं, अभी 8% गया अभी तक 100% में से, तो कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। अभी हाई गियर पे भी इतना स्लो चलेगा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पहुंचने से पहले अगर रात हो जाती है फिर तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतना हैवी, ओ पेट्रोल बोल के वहाँ पे लिखा भी है, वैसा तो कुछ लिखा नहीं होता है, वो मे बी सीज़न 8 की वजह से कुछ होगा ऐसा, अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में तो वो गैस स्टेशन है, पेट्रोल बोल के भी लिखा हुआ है, अच्छा है, मतलब थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट। रुको रुको यहाँ जाना है हमें, ओके मैं थोड़ा बैक करता हूँ, ओके अब सही है, गुड। फिर से हम आ चुके हैं हमारे पुराने साथी के रोड में, मतलब वैसे तो कंक्रीट का एक्सपेक्टेशन भी मत करना स्नो रनर गेम खेलने में, ओह
मैं अभी जा रहा हूँ तो मुझे मतलब परेशानी हो रही है कि कहीं बैलेंस ना खो दूँ, क्योंकि इतना हैवी क्रेन मैंने पीछे से लिया हुआ है। मुझे एक्चुअल में बड़ा वाला ट्रक लेना चाहिए था, लेकिन मैं सोचा कि ये उतना धुरंधर है तो क्यों ना इसे ले लिया जाए। अभी तक तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं आगे भी, होप कोई प्रॉब्लम ना हो। गुड, अभी सही जा रहा है। और यही उम्मीद थी मुझसे, मतलब इससे मुझे, क्योंकि अगर कोई स्काउट, रुको, मैं सोचा था season 8 में थोड़ा तो मतलब प्लेन होगा, इसका जो टेरेन है वो थोड़ा प्लेन होगा, लेकिन हाँ पहाड़ी वहाड़ी वैसे कुछ उतना पत्थर नहीं है, लेकिन उतना प्लेन भी नहीं है, हर कहीं बस गड्ढे हैं, और इसलिए मैंने इसका सस्पेंशन थोड़ा सा हाई कर दिया। हाई सस्पेंशन में कैसा भी रोड हो काम चल जाएगा। ओ रुको, स्लो करना पड़ेगा मुझे थोड़ा। अभी मैं स्पीड जाऊंगा और फिर प्रॉब्लम हुआ तो फिर एक और ट्रक लेके आना पड़ेगा, तो मैं वो नहीं चाहता। ओके, पानी के अंदर निकल गया, थोड़ा सा तो साफ हो जाएगा जितना भी कीचड़ वीचड़ होगा। अच्छा हो गया। रुको, मैं एक काम करता हूँ और थोड़ा सा धो लेता हूँ, क्यों बेकार मैं हमारा क्रेन डस्टी दिखेगा, तो मैं थोड़ा सा। ओके हो गया। अब जितना भी कीचड़ वगैरह कुछ भी मड वड जो भी होगा वो सब निकल सकता है। ओके अब सही है, अब हम चलते हैं। ज़्यादा देर रुकना भी सही नहीं होगा, वहाँ पे हमें वेट किए हुए हैं, हमारा मालिक जो है वो तो बोल चुका है हमें, तो देखते हैं क्या होता है। 4 कंटेनर है तो चारों कंटेनर के लिए एक ट्रक भी चाहिए होगा, लेकिन हम पहले पहुँचते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि कंटेनर का साइज कितना बड़ा है, उसके हिसाब से ट्रक लेके जाएंगे। कार्गो कंटेनर हुआ तो बड़ा वाला ट्रक लेंगे। ओके रोड सही है, सही मतलब ट्रक के लिए सही है। गया, अब सस्पेंशन और जो टायर है मतलब व्हील है वो बिल्कुल ख़राब हो रहा है, और मेरी स्पीड जाने की वजह से हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। अरे उस तरफ क्यों दिखा रहे हैं, थोड़ा रुको। अच्छा मैंने बीच में कोई चेक पॉइंट नहीं दिया इसीलिए, सही जा रहा है। ओके भाई चलते हैं, एक दे देता हूँ, फिर भी क्यों बेकार में कंफ्यूजन होगा। अब सही है। अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो लो प्लस गियर में हूँ। अच्छा शायद इसका गियर प्रॉब्लम होगा कुछ। तो क्रेन को थोड़ा आगे देना चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही पीछे दे दिया, इसीलिए उसका पीछे का जो चक्का है वो भी सिंगल है, थोड़ा डबल मतलब होता गाड़ी का जो फोर का है वो डबल का कोई वेरिएंट नहीं आता, बट बोलेंगे जो मोड ब्राउज़र जो मोड बनाते हैं उनको बोलेंगे कि इस बार अगली बार पीछे कम से कम 6 या 8 चक्के का बनवा लो, क्योंकि दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा क्रेन, हैवी क्रेन लेने में। एक तो आता है ट्रक के अंदर एक छोटा सा क्रेन उसमें होता है, लेकिन वो छोटा वाला क्रेन लाता मैं तो बाय चांस अगर वो कंटेनर बड़े बड़े होंगे फिर डबल मेहनत करना पड़ेगा। अब हम यहाँ एक नई जगह पहुँच चुके हैं, पता नहीं कौन सा जगह है, मतलब इंडस्ट्रियल जगह होगा कोई, इसीलिए इतना प्लेन कंक्रीट रोड है। वो यहाँ पे शायद ऑयल निकाल रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे वो चल रहा था कुछ। अच्छा तो अभी वो रेलवे भी है, मतलब रेलवे भी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अभी कुछ तो देना चाहिए था वैसे ही, मतलब
क्योंकि एक रोड है तो कुछ तो इज्जत है मतलब। अब हम आ चुके हैं पानी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पानी है, देखते हैं पानी के अंदर से निकल पाते हैं कि नहीं। वो ये एक ठो बहुत ही शार्प है और लंबा है, शायद वो विंड मिल का होगा, वो पावर जनरेशन के लिए। हाँ उसका भी एक मिशन है, मुझे मालिक ने बोला था कि उसका भी काम करना है। कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, पहले ये तो कर देते हैं। रुको रुको, हम आ चुके हैं, ये ट्रेन पटरी से निकल चुका है और इतना दुखद घटना मैंने कभी मतलब नहीं देखा, वो कोरोमंडल एक्सप्रेस के बाद तो नहीं देखा। ओके, मैंने एक्टिवेट नहीं किया था, अभी एक्टिवेट कर लिया। अब पीछे जाना पड़ेगा, हमें हमारे पोजीशन लेना पड़ेगा। ओके, पोजीशन ले लिया। अब चार चार जगह दिखा रहा है, अब पहले जाके देखते हैं वो कंटेनर कितना बड़ा हुआ है, कहीं ये रेलवे डिब्बा तो लेने को नहीं बोल रहा है भाई, वरना हम तो फंस जाएंगे। रुको रुको, ये डिब्बे नहीं, डिब्बे के पीछे वो छोटा छोटा डिब्बा है, कोई बात नहीं, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, अच्छा है, कम से कम एक या दो ट्रक में तो हो ही जाएंगे। ओके, बस हमें पहुंचना है उसके पास, थोड़ा सा देख लेंगे कि कितना बड़ा है वो। टोटल चार हैं, इसका मतलब चारों के लिए एक ट्रेलर, देखेंगे कोशिश करेंगे। ओके, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं, वो ब्रिक्स जितना बड़ा होता है बस उतना ही है। अब मैं एक काम करता हूँ, हमें तो इसे लेना ही है, मतलब वहीं पे तो लेना है इसके डेस्टिनेशन में, लेकिन उसके लिए हमें गाड़ी चाहिए। वैसे तो गैरेज में जाना पड़ेगा मुझे। ओके, गैरेज में कौन सा गाड़ी चॉइस करें, ये तो हम चला चुके हैं सब कुछ, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं आज। थोड़ा लंबा भी हो तो ट्रेलर अच्छा होगा। अच्छा, ये वाला एक नया वाला है, इसे ट्राई करेंगे आज, देखता हूँ उसका ट्रेलर कितना बड़ा है। बस इतना ही है। ओके, ये छोटा वाला ट्रेलर है। अच्छा, यहाँ पे ट्रेलर स्टोर भी नहीं है कोई, मैं इसका सब कुछ टायर वगैरह सब कुछ तो सही है। ओके, हो गया। अब सस्पेंशन छोड़ो, गियर बॉक्स और एक रह गया इंजन। ये कौन से भाषा में लिखा है ये मुझे भी नहीं मालूम, छोड़ो कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा दाम का है तो कुछ अच्छा ही होगा। कलर के मामले में कोई भी हो चलता है। अब दूसरा वाला देखता हूँ, क्योंकि वो छोटे ट्रेलर में उतना होगा नहीं जगह। ये तीन चीज़ हैं, ये वाला एक, रुको स्टोरेज में देखता हूँ, एक दो तीन, ये तीन हैं, तो इनमें से पहला वाला बेस्ट, हाँ ये वाला बेस्ट दिख रहा है, लेकिन इसमें देखता हूँ, रुको पहले कौन से में बड़ा जगह दे रहा है, जो किसी में भी इतना बड़ा बेड नहीं है, और छोटे बेड में हम क्या करेंगे, अभी फ्लैट बेड तो हम लेके नहीं जा सकते, अभी हमें एक चाहिए, साइड बोर्ड चाहिए, तो इसमें देखता हूँ मैं कितना ज़्यादा जगह देता है। वो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये क्या है, बड़ा प्लस छोटा, छोड़ो कोई बात नहीं,
जो है सो है, और दूसरा वाला कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये लंबा वाला सही होगा। ओके, अब छोटा छोटा जो मतलब रहता है इसका वो पूरा कर लेता हूँ, ताकि बाद में बीच में कहीं फंसना ना पड़े। इसलिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दो और आराम से गाड़ी चलाओ कहीं भी। ऑफ रोड के लिए ऐसा टायर तो सही होगा। अब गियर बॉक्स मैं ऑफ रोड का ही चॉइस करता हूँ, ये सही होगा। इंजन सबसे बेस्ट कौन है मुझे मैंने मालूम, कोई भी मतलब कुछ भी गुड। और फ्रंट साइड में नहीं, ये दिखाई नहीं देगा ये अगर दूंगा तो। रूफ टॉप में हाँ, ये हेडलाइट वगैरह सही काम आएगा अंधेरे में। और बम्पर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो कोई ना, कहीं कुछ भी लगा देते हैं, खाली खाली दिख रहा था। ओके, एसी भी हो गया। एग्जॉस्ट जो नीचे से अच्छा होता है, ये वाला तो सामने से है मतलब ऊपर से, तो जब गाड़ी चलाएंगे तो बैकग्राउंड थोड़ा धुआं धुआं दिख सकता है, कोई बात नहीं। कलर में मुझे तो आर्मी कलर अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका सभी के आर्मी कलर हैं, ये वाला सही है। ओके, तो अभी सही दिख रहा है, इंडियन आर्मी का ट्रक की तरह दिख रहा है। रुको आगे से दिखा रहा हूँ, शायद शाम हो चुका है इसलिए सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। शाम हुआ है या सुबह हुआ है मुझे भी मालूम नहीं चल रहा है, छोड़ो। और दूसरा वाला हमारा चाहिए, वो एक सिलेक्ट किए थे ना, हाँ इसका, रुको, हाँ ये वाला सही होगा। इसमें एक दो आ जाएंगे, उसमें भी अगर शॉर्टेज हुआ तो, बॉक्सेस में बोल रहा हूँ, बॉक्सेस अगर छोटे शॉर्टेज होते हैं तो उसमें तीन, इसमें एक आ जाएंगे। और यहाँ पे गैरेज से निकलने से पहले इंजन डैमेज हो गया है इसका, कुछ तो करना पड़ेगा। अब दोनों को एक साथ लेना है तो विंच के सारे ही लेंगे और किससे लेंगे, तो चलो चलते हैं अभी। अब सही है, धुआं दिख रहा है और धुएं की वजह से जो बैकग्राउंड, ओके रुको रुको रुको, अभी मुझे तो मालूम नहीं मतलब कौन कौन से जगह से आया था, और वहाँ वो ट्रेन लाइन के पास पहुँचा हूँ, फिर से एक बार मैपिंग करवा लूँगा उसके बाद से ही होगा। अच्छा तो हम यहाँ पे हैं, हमारा ट्रेन लाइन है बहुत दूर, गैस स्टेशन से होके निकले थे हम। ओके, थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ, सही होगा। ओके, यहाँ से बिल्कुल जिस तरह गए थे वो फोर्ड F750 में, उसी तरह जाएंगे, वही रूट को फॉलो करेंगे और बस बॉक्स तक पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी तो आफ्टरनून के करीब 4 बजे हैं, 4 बजे हैं करीब, 4, 4:30 हुए, तो शाम होने को है। कोई बात नहीं, आज शायद नाइट डिलीवरी करना पड़ेगा। थोड़ा लंबा नहीं हो जा रहा है, लंबा होने की वजह से रनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे पिछली बार हुआ था। पिछली बार भी एक ट्रक को, शायद वो एपिसोड में अपलोड नहीं किया शायद, या फिर हो चुका है, आप देख सकते हो वहाँ पे वीडियो में देख लेना। एक लंबा गाड़ी था, उसका नाम पता नहीं मुझे, मतलब पता नहीं मतलब याद नहीं, बट वो भी प्रॉब्लम हो रहा था। वो जब मैं एक मिशन मोड में था, मिशन मोड का एक प्लेलिस्ट है माइंड दी हेड यूट्यूब चैनल में, देख लेना, वहीं पे मैं छोड़ा था वो मिशन मोड का। तो उसमें वो जो एक ZIKR या वैसा कुछ नाम का एक ट्रक था, तो वो इतना लंबा था, मुझे वो ऑयल रिग लाना था,
स्मिथ विले डैम से, तो बहुत दिक्कत हो रही थी वो टर्न करने में। अब ये भी ऐसा ही कुछ दिक्कतें दिखा रहा है, अभी शायद हो जाएगा। ओके टर्न हो चुका है यहाँ पे, मैं चल रहा हूँ। अरे भाई मैंने तो वो पीछे ही छोड़ दिया, हमारा क्या नाम था उसका, कमाज 426 है, नहीं 4326। अच्छा तो ये यहीं पे है, कोई बात नहीं, वो शायद दबाते दबाते वो उसमें स्टीयरिंग में वो को दबा दिया होगा तो इंच जो है वो कट हो गया होगा, तो कोई बात नहीं हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे, उतना दूर भी नहीं है। ये रहा वो रोड जहाँ पे टर्न हुआ था। ओके ओके ओके, ये भी मस्त लग रहा है, मतलब चलाने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो सामने वाला थोड़ा हैवी होने की वजह से उसे आगे रखना सही होगा। हैवी वाला अगर लोअर वेट के ट्रक को अगर खींचता है तो सही होगा, वरना फिर पेट्रोल भी ज़्यादा ये होगा और हम लेट में भी पहुँचेंगे। सो पहले चलते हैं वहाँ पे और उसके बाद बात करते हैं। ये रहा हमारा सनफ्लावर के, जो राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा, सनफ्लावर के फार्मिंग किया हुआ है, पेट्रोल बोल के बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो चलते हैं और वहीं पे बात करते हैं सीधे।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे कंपेनियन के यहाँ। बस देखना है कि हमारे ड्राइवर, मतलब वो तो हम ही हैं, वो क्रेन जो चलाएगा, तो वो कब ये लोड करते हैं। मैं सुबह तक रुकता हूँ और ये देखो सुबह भी हो गया। ओके तो अभी सही है, मौसम साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस गाड़ी को सही जगह पे लगाना है और क्रेन से इसको, मैंने पहले ऐसा कभी काम नहीं किया है, पहली बार, तो अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मैं तो वैसे एक्सपर्टाइज नहीं हूँ इसमें, ज़िंदगी में पहली बार क्रेन चला रहा हूँ, वो भी विदाउट ऑथराइजेशन और लाइसेंस के। रुको, मैं पहले ये कहाँ चलाया, लगता है इसमें कोई गियर में प्रॉब्लम है। मैं जब लो या लो प्लस कर रहा हूँ, 3 या 4 गियर में ला रहा हूँ, तो रिवर्स में रिवर्स चला जा रहा है, ब्रेक नहीं लग रहा है। क्रेन मोड ऑन हो चुका है अब। अरे क्या हो रहा है, इसे दारू वारू पी लिया है शायद। अच्छा अब सही है, स्टेबल हो चुका है ये। तो करते कैसे हैं देखते हैं पहले। अच्छा तो हर कोई सेटिंग बस हमारे स्टीयरिंग व्हील में ही है, तो कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। देखते हैं किस तरह से काम करता है। रुको, ओके अब थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर लेके जाता हूँ, ट्रक के ऊपर। अब राइट साइड, मुझे लगता है ये लंबा भी होता है, मतलब और आगे तक जाता है ना। करते हैं कैसे हैं ये पता नहीं भाई, पहली बार है इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है। ओके हो गया, थोड़ा और। अच्छा तो ऐसे जाते हैं, हो गया। गिराते कैसे हैं, ओके बिल्कुल सही जगह पे पहुंचा है। अब मैं इसे पैक करता हूँ, रुको, पैक करने से सही होगा, ट्रक को चेंज करने के बाद करना पड़ेगा ये। और 3 ठो वो आगे दिखा रहे हैं तो वहाँ पे चलते हैं। देखो लो प्लस में जा रहा हूँ फिर पीछे जा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है इसका, इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है इसका सस्पेंशन, पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा, सर्विस रिपेयर करना पड़ेगा इसे। मिशन ख़त्म होते ही ले जाएंगे गैरेज में। अच्छा इसके पीछे दिखा रहा है, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, मतलब कुछ और कहीं भी हर कहीं गिरा पड़ा है। अच्छा हुआ कि कोई हाउस वगैरह नहीं थे यहाँ पे, घर वर होते तो सब कुछ चले जाते एक साथ। ये सही जगह है, यहीं पे आराम से हम पिकअप कर सकते हैं, इसे लोड कर सकते हैं। अब मैं ट्रक की ओर चलता हूँ, वो हमारा ट्रक कौन सा है, नहीं ये तो नहीं है, टाट्रा फोर्स, हाँ ये है। तो हमें भी दूसरे तरफ चलना पड़ेगा। वो पैक हो गया भाई बिल्कुल, अब हिलेगा भी नहीं, सही है। तो चलते हैं दूसरी तरफ और वहाँ पे कोशिश करते हैं क्या होता है, देखते हैं। ओके उसी तरह जिस तरफ पे मतलब लोड किया उसी तरह ही लोड कर देंगे ये, देखते हैं लोड करने के बाद पहुँचा देंगे सही जगह इसके।
दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पे इसको अनलोड करना था। डिस्पोजल पिकअप लिखा है इसका जगह का नाम, तो होगा कुछ भी। ओके, पहले मैं विंच को रिलीज करता हूं, उसके बाद इसको अनलोड करता हूं। हो गया, बस इतना ही काम था। ओके दोस्तों, ये तो हो जाएगा और फिर एक नए एपिसोड में हम मुलाकात होगी हमारी, उसमें कुछ नया करेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके।